हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, फिलहाल आज बता दें यार कितनी गजब की धूप निकली हुई है, मस्त मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ठंड तो मतलब लग नहीं रही आज, बिल्कुल भी नहीं लग रही ठंड। तो गाइस फिलहाल मैं आज आपको बता दूँ कि आज मैं जाने वाला हूँ नॉनवेज की मार्केट, यानी बरेली में नॉनवेज की मार्केट जो है सुनने में आया बहुत अच्छी लगी हुई है, बांस मंडी में लगी है। और जो ये बरेली है ना, ये बांस बरेली के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ बांस के जो हैं बहुत सारे आइटम बनते हैं ना, और बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली और आगरा वगैरह सब जगह जाते हैं फर्नीचर वगैरह। तो इसलिए ये बांस मंडी के भी मतलब बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल आज वहीं चलेंगे और दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग। ट्रैक्टर की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये देखिए यहीं से मतलब रूम से मैं निकला हूँ ना नीचे, तो वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है बाहर से। और थोड़ी दूर पे यहाँ पे बांस मंडी, हालांकि लेकिन आपको मैं बता दूँ यहाँ फर्नीचर जो है लकड़ी के और बोर्ड वगैरह के बड़े मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ फेमस है ना ये सब चीज़ें। तो यहीं से सारी जितने मतलब फर्नीचर है ना लकड़ी वगैरह के, वो यहीं से ही जाते हैं। सोफ़ा वोफा बनते रहते हैं ना, तो बहुत बड़े स्तर में सोफ़ा बनते हैं, यहीं से सारी जगह डिलीवरी भी होती है ना। तो यहाँ अलग अलग तरीके के ऐसे सोफ़ा बन जाते हैं ना, जैसे आप मतलब जैसा चाहो वैसा बनवा भी सकते हो आप अपनी मर्जी से, कोई भी मटेरियल भी लगवा सकते हो आराम से। और ये जितनी गलियाँ हैं ये सब फर्नीचर मतलब हार्डवेयर फर्नीचर सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है आपको। और अगर आप यहाँ बरेली में रहते हो तो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो आप मंगवा भी सकते हो। ये देखिए पूरा लकड़ी का काम यहाँ होता है, सारे फर्नीचर। उधर देखिए बांस, बांस मंडी में हम लोग आ गए फिलहाल, बांस पूरी बांस बांस के हैं चीज़ें। तो अब हम लोग नॉनवेज की मार्केट अंदर चलेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों फिलहाल हम लोग बांस मंडी तो पहुंच गए हैं, और अब जो है नॉनवेज की जो मार्केट है वहां हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? ये देसी मुर्गे हैं ना, देसी मुर्गे तो महंगे मिलते ही हैं वैसे, लेकिन सही हैं। चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ पूरी नॉनवेज नॉनवेज पूरी नॉनवेज ही नॉनवेज मिलता है। क्या है चाचा? क्या है ये मुर्गे का? अच्छा अच्छा और खा रहे हैं ये? कैसे खड़े मुर्गे दे रहे हैं? कितने में? ₹140 ये कौन सी है दादा? सिंगी छोटी वाली है? और ये वाली कौन सी है? देखो यार कौन सी, एक तो मछली अलग अलग तरीके की। कौन सी लेनी है? बैगर कितने में है? बैगर कितने में है? कौन से बैकर कैसे दे रहे हैं? आधा किलो चाहिए। कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? चलो वैसे लगने कितने बजे लगती है मार्केट? देसी अंडा है क्या ये? कैसे दे रहे हैं? ₹10 का। फिर लहसुन है क्या? कैसे दे रहा हूँ? अंडा का पाव है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ नॉनवेज की मार्केट तो आपको दिखा दिया, और सब्जी मैंने ले ली है। नॉनवेज तो हालांकि लिया नहीं है क्योंकि लेना नहीं था ना, तो हमने सब्जी ले ली है और चल रहे हैं अब घर, ठीक है? ओ भाई ये किसकी हवेली है? ये तुरंदार की हवेली है, इनने छोड़ रखी है यहाँ, मुझे लग रहा है राजघराने की हवेली है भाई।
तगड़ी वाली हवेली है, मतलब यहाँ आसपास देखिए और इसको देखिए, मानना पड़ेगा। मतलब ऐसा था कीचड़ में कमल खिल गया है, राजघराने का है ना, राजघराने का घोड़ा जा रहा है देखो तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी लगना स्टार्ट हुए थे, अभी कम्प्लीटली तरीके से लगी नहीं थी ना, 3-4 बजे के टाइम पूरा कम्प्लीट से लग जाती है। तो हम लोग घर चलते हैं और खाना आना भी भाई तैयारी करेंगे, भूख बहुत है, लगी सुबह का टाइम है। रूम पे तो मैं आ गया हूँ और आपको मार्केट तो दिखाया मैंने, कैसी गजब की मार्केट है। और मतलब थोड़ी सी जल्दी पहुँच गए थे ना, तो यार अभी सब कुछ लगा नहीं था, नहीं तो मतलब बरेली में वो एक ऐसी मात मार्केट है जहाँ अगर आप जाओगे ना तो सारे नॉनवेज मिल जाएंगे। यानी अगर जैसे देसी अंडा वगैरह होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं, और मतलब सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ नॉनवेज से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वैरायटी वैरायटी की मछलियाँ भी मिल जाएंगी, तो आप जा सकते हो। और मतलब अगर नए हो ना, मैं तो फिलहाल बरेली में किसी पता ही नहीं था बिल्कुल, तो मैं ऐसे ही पूछते पूछते गया था। तो अगर आप बरेली में नए हो ना तो इस वीडियो को देखिएगा और सर्च मार के चले जाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो मैं जा रहा हूँ ARM ऑफिस, क्योंकि भाई वहाँ तो क्या बताऊँ, स्थिति बहुत डाउन चल रही है। और गाड़ी जो है मेरी एक तरह से अब लखनऊ, मतलब पहले लखनऊ पे था तो दिल्ली आ गया था, दिल्ली से सही चलने लगा तो अब लखनऊ कर दिया गया। ये यार बहुत बेकार बात है, अब समझ नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं। अभी ARM साहब से मिलने जाएंगे, देखेंगे अगर कुछ उसका इंतजाम बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और ही किया जाएगा भाई, जो सब लोग कर रहे हैं वो करने की कोशिश। हालाँकि मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं भाई, चलना है। अब ऑपरेशन की बात है, उधर लखनऊ तरफ नहीं चल सकते ना, तो देखते हैं। फिलहाल ARM साहब से बात करते हैं, देखते हैं पहले क्या कहते हैं, ठीक है। पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है यार, ये क्या, अरे फ्रेंड यार ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया भाई। मैं आया ARM साहब से मिलने और यार यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा यार, मतलब 2 बज गए हैं अभी तो कोई आए नहीं यार, ये बहुत यार गलत होता है यार। मतलब हम लोग को टाइम पे आ जाना पड़ता है, अधिकारी लोग यार, और खासकर गवर्नमेंट अधिकारी लोग बिल्कुल भी यार बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, समझ नहीं यार। आप बताओ, कोई आया ही नहीं अभी तक, अब क्या कर सकते हैं भाई, रूम पे जाएं फिर से भाई, इन लोग के चक्कर काटते रहें, बस यही चाहते हैं ये लोग। चलो क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग चलते हैं, आए थे बात करने, बिना बात किए लौटे जा रहे हैं, अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ तो हाथ में है नहीं, तो चलें अब रूम पे चलें, खाना ना बनाएं, मस्त खाएं, सोएं आराम से। और गाड़ी भी कैंसिल हो गई, मतलब यार समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार, 3 ट्रिप से लगातार गाड़ी कैंसिल हो रही है, किसका किसका काम है, अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे किसके हाथ में करें ये, क्या करें समझ नहीं आ रहा। चलो क्या कर सकते हैं भाई, ये तो मेरे हाथ में है भी नहीं, तो चलते हैं रूम पे, मस्त खाना आना बना के खा के मस्त सो जाते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग रूम पे तो आ गए हैं और ड्यूटी तो मिली नहीं क्योंकि आज गाड़ी तो कैंसिल हो गई, तो फिलहाल कल हम लोग दिल्ली जाएंगे। और वो वाली गाड़ी तो कैंसिल हो गई, वो बनारस भेजी जा रही, तो यार बनारस तो मैं जा नहीं पाऊँगा, वो उधर कानपुर होके जाती है ना, तो बहुत टूटी हुई रोड है, तो मैं तो उधर जा नहीं पाऊँगा, और 3 दिन का ट्रेवल है तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। तो कल जो है मुझे सुबह 7 बजे यहाँ से गाड़ी निकलती है शताब्दी, तो दिल्ली में जाऊँगा शताब्दी से। तो फिलहाल आज के लिए तो फिलहाल इतना ही है, और आपने नॉनवेज की तो मार्केट देखी, अगर आप नए हो तो आप सर्च करके चले जाइएगा, सही है, सब कुछ मिलता है वहाँ, हर चीज़ कुछ भी आप लेना चाहो तो मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।